हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस समय में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, जिससे गर्मी बढ़ती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। नदी तालाब सूखने लगते हैं, जमीन का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन दिनों में जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, जल का दान करें। अगर संभव हो तो कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं या किसी प्याऊ में मटके का दान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि व शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त 1 जून को दोपहर 2:57 से 2 जून को दोपहर 12:04 तक रहेगा, जबकि व्रत के उद्यापन का समय 3 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:08 तक रहेगा। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्य उदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भक्ति भाव से कथा सुने और हो सके तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो जल से कलश भरे व सफेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद दान पुण्य आदि पर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता है इस व्रत का फल लंबी उम्र स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें। व्रत के अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और करीब जरूरतमंद या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी कष्टों को हरता है। आपके पसंदीदा न्यूज वीडियो देखिए फेसबुक में सबसे पहले। न्यूज के पेज पर फॉलो या फॉलोइंग बटन को दबाएं। नीचे मौजूद 3 ऑप्शन में से राइट साइड वाला सी फर्स्ट चुनें और देखें न्यूज के सभी वीडियो सबसे पहले।